खबर है अतीक अहमद को लेकर, जो कि साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही उसने एक ऐसा काम किया है जिसे आप सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती के तौर पर देख सकते हैं। उन्हीं योगी आदित्यनाथ को जिन्होंने यूपी की विधानसभा में खड़े होकर कहा था अखिलेश यादव के सामने कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। पहले आप वो छोटी सी क्लिप देखिए। तो देखे तेवर, इन तेवरों के बाद अतीक अहमद कांप गया था, लगातार ये कह रहा था कि हो सकता है रास्ते में उसकी गाड़ी पलट जाए, उसका एनकाउंटर हो जाए। लेकिन क्या अतीक अहमद और उसके गुर्गे इतने खौफ के बावजूद भी संभल गए हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि कम से कम जो नया दावा या नया आरोप सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। उमेश पाल जो कि वकील थे, उनकी हत्या के बाद एक और वकील ने बड़ा दावा किया है, और बड़ा दावा करते हुए बताया है कि किस तरीके से अतीक अहमद के गुर्गों ने उनकी कनपट्टी पर आकर पिस्टल लगा दी। क्या है पूरा मामला, आप खुद उनके मुंह से सुनिए। उन्होंने अपने घर बनाने के लिए एक प्लाट खरीदा था, तो वो बनवाने पैसा ना होने की वजह से वो उन्होंने कहा कि बिकवा दीजिए हमारा, तो हम वहाँ पर हमारे एक साथी खरीदना चाह रहे थे, तो मैं वहाँ सीधा पहुँचा प्लाट पे अपने भाई एडवोकेट के साथ, वो भी वकालत करता है, तो मैं वहाँ पहुँचा। तकरीबन 4:30 बजे का वाक्य रहा होगा, 4:25 रहा होगा, मिनट दो मिनट की बात आगे पीछे। तो जई अगले के इंतज़ार करने लगा जो हमारे साथी आने के लिए कहा था, तब तक मैं इरशाद अली और पुल्लू और उसके चार साथी मेरे पास पहुँचे वहाँ। वो हर वक्त वहाँ टहलते रहते हैं क्योंकि उनका पूरा साम्राज्य वहाँ पर है, अरबों रुपए की जमीन कब्जा किए हैं, बंजर सरकारी सब। तो उसके बाद वो वहाँ पहुँचे कैसे यहाँ, हमने कहा भैया ये साले का प्लाट है, बिकवाना है, कहें तुम्हारी हिम्मत कैसे ये आने की यहाँ हो गई बगैर हमारे पूछे। यहाँ पर असाद भाई हमारा, असाद कालिया और मेरा जो असाद भाई और मेरा यहाँ पे कारोबार चलता है, बगैर पूछे मेरे कोई प्लाट ना बिक सकता है ना खरीद सकता कोई। तो हमने कहा भैया ये हमारे साले ने लिया था, कहन साला हो चाहे जो हो, यहाँ पर 10 लाख रुपया बगैर दिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा भैया ये 8 लाख रुपया तो प्लाटे लिए हैं, 10 कहाँ से दे देंगे। तब तक उन्होंने पिस्तौल मेरे माथे पर अड़ा दिया और उसके बाद जो है धमकी दिया कि बगैर रंगदारी दिए यहाँ कोई काम नहीं कर सकता, सीधा तुम वकालत करो। फिर उसके बाद उन्होंने असाद कालिया से बात कराई व्हाट्सएप मोबाइल से, अपना मोबाइल वो से लगा के कान में हमारे धमकी दिलवाया। उन्होंने कहा कि ऐसा है 10 लाख नहीं रंगदारी दोगे तो एक वकील की जो हाल हुआ है अभी तुम्हारे सामने है, तुम्हारा भी कोई आगे पीछे नहीं बचेगा। असाद कौन है ये? असाद कालिया ये एक भू माफिया है और बहुत बड़े माफिया के गुर्गे हैं। अब हम उसका नाम उनका नाम लेके हम अपनी जान नहीं मरवाना, जो बात है साहब हमने थाने में तहरीर दे दी है, बाकी कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। ये खुदा का शुक्र है कि सरकार की वजह से जो हम बात बोल पा रहे हैं, वरना तमाम एप्लीकेशन बहुत पड़ती रहती रही। कितना डर है? बहुत ज़्यादा डर है, ये एक वकील हो के डर रहे हैं अब, इससे बाद हमारा रोआ खड़ा है समझ लीजिए इस वक्त ये बात कहते हुए भी। योगी सरकार से क्या गुजारिश है? गुजारिश ये है कि इन सब लोगों को ठिकाने लगा दें, नहीं तो ये जीने न देंगे साहब। बाकी हम हमारे लिए जो कर सकते हैं वो अच्छा करें, हमारी सुरक्षा के लिए यही गुजारिश है मेरी, अब इनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वकील साहब के बयान के बाद क्या माना जाए कि अतीक अहमद के गुर्गों के तेवर और अतीक अहमद के तेवर अब भी नहीं बदले हैं? क्या ये योगी आदित्यनाथ को, जो कि सूबे में लगातार प्रशासन सख्त होने की बात करते हैं, लगातार ये बात कहते हैं कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा, सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को क्या ये चुनौती है? क्योंकि वकील के बयान, वकील का दावा बहुत सनसनीखेज है, खासतौर पर तब जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वो करीब करीब हाई अलर्ट पर है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर लिखें। धन्यवाद।